सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पालमपुर में उत्कृष्ट बागवानी केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष विशेष रूप से मौजूद रहीं। उत्कृष्ट बागवानी केंद्र विश्व बैंक वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। 12 हेक्टेयर भूमि पर इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र को आदर्श पुष्प केंद्र तथा विभागीय प्रदर्शन उद्यान पालमपुर के विलय के साथ स्थापित किया जा रहा है। केंद्र की स्थापना के लिए 18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इस केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य निचले एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों के किसानों का आर्थिक उत्थान करना है। ये केंद्र किसानों को आधुनिक बागवानी से संबंधित ज्ञान प्रशिक्षण के साथ जोड़ेगा। किसान नई फलदार और पुष्पीय बागवानी फसलों को हाईटेक तरीके से यहाँ तैयार किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्कृष्ट बागवानी केंद्र 18 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। केंद्र में पूरे प्रदेश के किसानों को बागवानी के बारे में सिखाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के नई भाजपा सरकार के कार्यकाल में सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य विभाग व बागवानी विभाग में लगभग 13,500 करोड़ की योजनाएं लाई गई हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का समय आ गया है। मंत्री ने अधिकारियों व लोगों से इन योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो हमारे प्रदेश के हर परिवार की आर्थिकी मजबूत होगी। बेरोजगारों को नालागढ़ बड्डी बरोटावाला में थोड़े पैसों पर काम करना नहीं पड़ेगा, उनका बागवानी की तरफ ध्यान खींचना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से और प्रधानमंत्री के सहयोग से योजनाओं के लिए जो राशि मिल रही है उसका पूर्ण खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए हिमाचल के निर्माण की ओर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक ग्रामीण क्षेत्र बहुत सी जगह पर 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति दे रहे हैं और इसे जल्द ही 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति देने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि वृक्ष की योजना के लिए 800 करोड़ रुपए हैं और इस नई योजना में जहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और साफ सुथरा पानी हिमाचल वासियों को दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका विधिवत रूप से आज शिलान्यास किया गया, वर्तमान में इसके लिए हमने 18 करोड़ रुपए का लागत रखी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे यहाँ पर स्थानीय लोगों की बात आई है इसकी लागत बढ़ेगी। क्यों इसलिए बढ़ेगी कि यहाँ पर कुछ और नई चीज़ें भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और ये ऐसा केंद्र बनेगा कि यहाँ पूरे प्रदेश का किसान जो बागवानी करना चाहता है वो यहाँ आकर के प्रशिक्षण हासिल करेगा और बागवानी के गुर सीखेगा और यहाँ से सीख करके अपने खेतों में जा करके जो है वो बागवानी करेगा। अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं इस 100 वर्ष के कार्यकाल के बीच में हमने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में, बागवानी विभाग में लगभग 13,500 करोड़ की लाई है और उन योजनाओं को अब धरातल पर उतारने का समय आया है। हमने अपने अधिकारियों से भी कहा है और अपने प्रदेश के सभी भाई बहनों से भी हमने विनम्र आग्रह किया है कि आप सबका सहयोग, आप सबका मार्गदर्शन मिले ताकि हम इन योजनाओं को धरातल पर उतारने में कामयाब हो सकें। जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के हर परिवार की आर्थिकी जो है मजबूत होगी। मजबूती का मतलब है कि समृद्धि आएगी। हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं जो दून नालागढ़ दून ब्रोटी वाला काला आम इत्यादि वहाँ पर पोल्यूटेड एरिया में थोड़े थोड़े पैसों पे काम करते हैं, वो वहाँ से हट करके अपने बागवानी की तरफ जाए, उनका विशेष ध्यान रहेगा। इन योजनाओं के लिए जो राशि लाई है उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सारी राशि मिली है। हम प्रयास करेंगे कि और भी जो धनराशि है वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे और हम
एक नए हिमाचल प्रदेश के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, प्रदेश में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी के पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में ये मात्रा 135 लीटर की है। गुणवत्ता की बात आपने कही, क्या मात्रात्मक रूप से भी इसमें बढ़ोतरी की जाएगी? ऐसा है, अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है उसमें बहुत जगह जो है वो 40 लीटर पर व्यक्ति जो है हम दे रहे हैं, हम इसको 55 लीटर पे ले जा रहे हैं, 55 लीटर से अब हम इसको 70 लीटर पे ले जा रहे हैं। वैसे आवश्यकता जो है 120 लीटर की है, हम कोशिश कर रहे हैं ये जो हमारी योजना जब बन जाएंगी तो हम 120 लीटर पे पहुंचेंगे। गुणात्मक पानी जो है मिले, पानी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा पानी मिलेगा तभी जा करके बीमारियों से निजात मिलेगी, अन्यथा बीमारियों का सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो गंदला पानी होता है। उसमें जो हमारी ब्रिक्स की योजना है, जो हमारी 2000 से पहले की बनी योजनाओं के लिए हमने कहा 800 करोड़ रुपया है ये सारा, उसमें जहां हम पानी चाहे वो हम पर्कुलेशन वेल से निकालें, जैक वेल से निकालें, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हर जगह लगाए जाएंगे, ताकि साफ सुथरा पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश वासियों को दिया जाएगा। तो सर, वर्तमान में कितनी पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जो बिना ट्रीटमेंट प्लांट के चल रही हैं? अनेक बहुत हैं। तो क्या टारगेट रखा हुआ सर? ऐसा है 12,000 से भी ज़्यादा योजना हिमाचल प्रदेश के बीच में है। अब मैं ऐसा कहूँ कि मैं हम 12,000 योजना को उनके ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम जो हम नई योजनाएं बना रहे हैं, हम उनमें सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन सभी योजनाओं के अंदर जो है वो जहाँ से पानी उठाएगा, जहाँ से पानी आएगा, चाहे वो ग्रेविटी में है, चाहे वो लिफ्ट का है, उसमें ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एज टुडे के लिए धर्मशाला से निप्पी की रिपोर्ट।